नमस्कार, मेरा नाम है पार्थ शुक्ला और आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस। क्या देश में क्रिप्टो करेंसी बैन होने वाली है? ये सवाल आज हम आपसे इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा डिजिटल करेंसी की शुरुआत की गई है। क्या है ये डिजिटल करेंसी और आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। आपको बता दें कि डिजिटल करेंसी रुपए का ही डिजिटल रूप है जिसे आरबीआई द्वारा शुरू किया गया है। डिजिटल करेंसी को अभी आरबीआई द्वारा 9 बैंक के थ्रू इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक, यस बैंक, आईडीएफसी और एचएसबीसी बैंक शामिल है। अभी इस डिजिटल करेंसी को पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू किया गया है। अगर ये सफल होता है तो इसको लार्ज स्केल पे इस्तेमाल किया जाएगा, लार्ज स्केल पर इसको लॉन्च किया जाएगा। डिजिटल करेंसी के बारे में जानते हुए हम आपको डिजिटल करेंसी के बारे में कुछ बेनिफिट या कुछ फायदे की बातें बताते हैं कि आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी। जो सबसे बड़ा फायदा इस डिजिटल करेंसी को इस्तेमाल करने का है वो है कि नोटों की छपाई में काफी पैसा खर्च होता है। 2016-17 के टाइम पर जब नोटबंदी हुई थी तो लगभग 7,965 करोड़ रुपए खर्च किया गया था नए नोटों की छपाई में। डिजिटल करेंसी आने से एक बड़ा प्लस पॉइंट यह होगा कि डिजिटल करेंसी की वजह से जो नोटों की छपाई में जो पैसा खर्च होता है वो कई हद तक कम हो पाएगा। दूसरा इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि जो डिजिटल करेंसी है उसको आप, जिसे हम कह सकते हैं कि एक आम नोट की शेल्फ लाइफ जो होती है वो 2 साल से लेकर 10 साल होती है। 2 से 10 साल के बीच में जो वो नोट है, जो कि फिजिकल रूप है पैसे का, वो मैला हो सकता है, फट सकता है या किसी भी प्रकार से नष्ट हो सकता है। पर डिजिटल करेंसी का एक फायदा ये भी है कि डिजिटल करेंसी को आप किसी भी प्रकार से नष्ट नहीं कर सकते। यानी ये जो करेंसी है, ये आमतौर पर अगर एक नोट 2 साल चल रहा है या 3 साल या 10 साल चल रहा है तो ये उसके कंपैरेटिवली उससे ज्यादा लंबे समय तक इसको आप इस्तेमाल कर पाएंगे। तीसरा जो सबसे बड़ा फायदा डिजिटल करेंसी की तरफ हमें मिल रहा है वो ये है कि डिजिटल करेंसी को इस्तेमाल करने में किसी भी प्रकार के बैंकिंग ऐप का इस्तेमाल नहीं होगा। यानी आपको इस करेंसी को इस्तेमाल करने के लिए नेट की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल नहीं पड़ेगी नेट की जरूरत। और वो इसलिए क्योंकि इस डिजिटल करेंसी को आप बारकोड और एसएमएस द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर कर पाएगा। सपोज मैं हूं और मैं किसी दुकान पे मैं जो है कोई सामान खरीदता हूं या खरीदारी करता हूं तो दुकानदार को एक एसएमएस के थ्रू मैं अपना पैसा ट्रांसफर कर पाऊंगा। ये डिजिटल करेंसी का एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कि जो डिजिटल करेंसी है ये 2 प्रकार की होगी, सीबीडीसी डब्ल्यू और सीबीडीसी आर। जो सीबीडीसी डब्ल्यू है उसका फुल फॉर्म है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी होलसेल, यानी ये होलसेल में इस्तेमाल करने वाली डिजिटल करेंसी है। जिस करेंसी को आपको बताएं तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स में या अगर कोई बैंक टू बैंक ट्रांसफर, बैंक टू बैंक जो है अगर पेमेंट हो रहा है तो उसमें, या किसी फाइनेंस कंपनी, जैसे कोई बड़ी अगर फाइनेंस कंपनी है तो वो इस होलसेल डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल भरपूर तरीके से कर पाएंगे। दूसरा है सीबीडीसी आर, सीबीडीसी आर यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी रिटेल, जो कि आमतौर पर डिजिटल करेंसी होगी जिसको आम लोग इस्तेमाल कर पाएंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले उदाहरण दिया था कि अगर मैं किसी एक दुकान पर जाता हूं और वहां पर अगर मैं कोई सामान की खरीदारी करता हूं या मैं कहीं नाई के पास गया बाल कटवाने अपने, तो उसको पैसा ट्रांसफर करने के लिए जो आमतौर पर लोग इस्तेमाल करेंगे वो होगी सीबीडीसी आर। अभी हाल ही में क्रिप्टो करेंसी देश में बड़ी मशहूर हुई थी और ना केवल देश में बल्कि विदेशों में भी क्रिप्टो करेंसी का एक चलन सा चल गया था। हर आदमी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने के लिए उतावला हो रहा था।
इसके और डिजिटल करेंसी जो अभी आरबीआई द्वारा लॉन्च की गई है, इसमें क्या फर्क है? आइए बताते हैं आपको। जो इसमें फर्क है वो केवल इतना है कि जो डिजिटल करेंसी है वो आरबीआई द्वारा जारी की गई है, यानी कि ये 100% लीगल करेंसी होगी। और क्योंकि ये आरबीआई द्वारा जारी की गई है, इसमें 1 रुपए की कीमत 1 रुपए ही रहेगी। अगर सपोज मेरे पास 10 रुपए का नोट है और अगर मैं उसको डिजिटल करेंसी में कन्वर्ट कराता हूं, तो उस 10 रुपए की वैल्यू 10 रुपए ही रहेगी। और क्रिप्टो करेंसी में जो सबसे बड़ा फर्क ये होता है कि क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू मार्केट के हिसाब से उछल ऊपर जाती और नीचे गिरती रहती है। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी, अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू आमतौर पे जाहिर है नीचे गिरेगी। पर डिजिटल करेंसी में ऐसा कुछ भी नहीं है। क्रिप्टो करेंसी लीगल है या नहीं हमारे देश में, इसमें अभी भी एक डिस्कशन चल रहा है। आइए देखते हैं कि निर्मला सीतारमण ने डिजिटल करेंसी के बारे में सदन में क्या कहा था। Introduction of a central bank digital currency will give a big boost to digital economy. Digital currency will also lead to a more efficient and cheaper currency management system. It is therefore proposed to introduce digital rupee using blockchain and other technologies to be issued by the Reserve Bank of India starting 2022 and 23.